नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हम लोग पहुंचे हैं पल्ला क्षेत्र में और यहां आप देख सकते हैं, ये देखें चौधरी महेंद्र प्रताप यहां पहुंचे हैं और फूलों की बारिश से अपने कैंडिडेट का स्वागत राज्यसभा के द्वारा यहां किया जा रहा है। फरीदाबाद देख सकते हैं, अपना उचित स्थान ले ले सभी साथी मंच पर। ठाकुर कमल सिंह तंवर, कृपया कमल सिंह तंवर यहाँ ले ले, व्यवस्था बनाए और पीछे भी चेयर है, कृपया बैठ जाए साथी, स्थान ले ले। हाँ अभी अभी करेंगे करेंगे, ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं भैया बच्चे यहाँ। पहले ये जो हमारे बाबा सूरदास व्यायामशाला है, मैं सभी साथियों से ये कहता हूँ कि बच्चे ही हमारी वास्तविक पूंजी है और बच्चे पे जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, बच्चों को संस्कारित नहीं करेंगे तो वो जीवन समाज सेवा में अर्पित हो कि बाबा सूरदास जी की कृपा से मेरे भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्होंने बखूबी अपना कार्य संभाला। तो इसीलिए तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं जनहित के कामों में लगता हूँ, बड़ी तादाद में प्रस्तुति लोग यहाँ पहुँचे हैं। बाबा सूरदास व्यायामशाला के बच्चे, बाबा राम केवल टीम है,
ये पत्रकार मंडल जी हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं, एक बार थोड़ा स्थान ले लें, बच्चों को स्पेस दे दें ताकि ये मलखंब का ये प्रदर्शन होगा। और अशोक पंडित जी आपसे निवेदन है, बच्चों को तैयार कर दें। भाऊ जी, ये बाबा सूरदास व्यायाम शाला के बच्चे हैं जिनको हमारी राजपूत सभा जिला फरीदाबाद भी इनको मदद करती है, सहयोगी संस्था है। ये बहुत देर से बच्चे आपके इंतजार में थे, आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रस्तुति है 5-7 मिनट की। ये बच्चे अशोक भाई शुरू कराएं आप। शानदार कार्यक्रम। ये कृपया पीछे कुर्सियां है साथी, व्यवस्था बना ले। ये 1 मिनट बच्चों का कार्यक्रम है। ये मलखंब जो बच्चे को संपूर्ण इधर बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति मलखंब में। ये हैंगिंग मलखंब पर भी बाएं तरफ देखे, मंच के बाएं तरफ कितनी अच्छी प्रस्तुति। ये एरियल स्पोर्ट्स रोप पर कितना अच्छा बच्चे आसन लगा रही है, देखिए कितनी सुंदर प्रस्तुति। बाएं तरफ भी देखें, मंच के बाएं तरफ प्रसून धूली धोरणी विधूसराग्रि भुजंगराज मालयानि बद्ध जात जूत कैश्री चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर। वाओ, चुनाव सभाओं में ऐसा आमतौर पर कम देखने को मिलता है। महाकपाली संपदेश रोज लेकिन आप देख सकते हैं कराल भाल पंडिका जगत 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 ज्वल धनंजया उदीकृत प्रचंड पंच सायके धरा नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्प नहीं कशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर ममा। इतना सुंदर प्रस्तुति ये बच्चे दे रहे हैं, तालियां बजाकर इनका हौसला अफजाई करें। कह रहे लिप निर्झरी धर स्तनो तुम्रुद्धि सिंधुर गला निधान बंधुर श्रीयम जगत धुरंधर। ठाकुर कमल सिंह तंवर की दिव्य प्रेरणा से यहाँ ये मलखंब का आयोजन राजपूत सभा जिला फरीदाबाद, दुर्गा वाहिनी और प्रताप वाहिनी। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबि कंठ कंदली बहुत सुंदर बद्ध कंधरं स्मर छिदं पुरज। अशोक भाई की ये मेहनत सामने दिखाई दे रही है, छिदं टीम समर्पित है इन बच्चों को तराशने के लिए। अथैव सैव मंगला कला कदंब मंजरी बहुत सुंदर मलखंब पर कितनी अच्छी प्रस्तुति ये बच्चा दे रहा है। विजृंभणा मधुव्रतम स्वरा, ये नेशनल लेवल के बच्चे भी हैं इनमें, कितनी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं। ये माता जीजा भाई और जयवंता भाई के प्रयास से ही वीर शिवाजी महाराणा प्रताप इनकी आज राजपूत सभा जिला फरीदाबाद जयंती मना रही है। महाराणा प्रताप जिन्होंने अपना स्वाभिमान कभी गिरने नहीं दिया। शिवेति मंत्र उच्चरण कदा सुखी भवान, उन्हीं की संस्कार शाला में ये बच्चे किस तरह से अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं, बहुत सुंदर।
अद्भुत संतुलन, कितना अच्छा बैलेंस आप देख सकते हैं। शानदार तालियां बजाकर कृपया बच्चों का हौसला अफजाई करें। बहुत सुंदर वो रोम पर कितना अच्छा प्रदर्शन है देखिए। एरियल सपोर्ट्स बोलते हैं इसको, इस तरह से कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है बच्चे। बहुत सुंदर प्रस्तुति। ये हम लोग संस्कार शालाएं चलाकर इन बच्चों को कैसे हैं? ये आप देख हम सकते हैं। संस्कारित करते हैं और जो आज हमारी संस्कृति बिगड़ती जा रही है, मोबाइल कल्चर आ गई है, बच्चे मोटरसाइकिल पर अत्यधिक समय टीवी में लगाते हैं और बड़ी तादाद में पहुंचे यहाँ लोग। पंडित जी इतने फिर बाबूजी से पुरस्कार करा था तो हम लोग इन बच्चों के संस्कार देने के लिए ही संस्कार शालाएं खोलते हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि जो हमारे मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी उन संस्कार शालाओं को डेवलप करने में कोई रुचि नहीं है। बाबा सूरदास व्यायाम शाला जो हमने बनाई थी स्टेडियम पिंटू सरपंच के प्रयासों से एक अच्छा स्टेडियम बना और उसमें जो सरकार के द्वारा शेड बनाया गया वो एक हवा के झोंके से वो गिर गया। ठेकेदार से आज तक कोई पूछताछ नहीं हुई क्योंकि उनको संरक्षित हमारे केंद्रीय मंत्री करते हैं। तो ये हमारे द्वारा जो संचालित गौशाला जो बाबा सूरदास गौशाला जो बाईपास रोड पर थी जिसमें 267 गोधन था और NHAI के अधिकारियों ने हमें बताया कि आपकी गौशाला यहाँ तक आपने रखना है, निर्माण रखना है, परंतु बॉम्बे एलिवेटेड रोड की अलाइनमेंट चेंज कराकर अपने अवैध बेनामी पेट्रोल पंप को बचाने के लिए ये भ्रष्टाचारी जो हमारे मंत्री हैं जो आज कहते हैं फिर एक बार मुझे मौका दो, वो गौशाला को उजड़वा दिया। तो ये कैसे गोभक्त हैं, ये कैसे राम भक्त हैं जो राम के नाम पे भी राजनीति करते हैं। तो हम लोग तो आराध्य मानते हैं राम को, परंतु ये राम को बेचते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। हमने भी उसमें आस्था के स्वरूप चंदा दिया था, आज तक क्या उसमें बताया गया कि कितना चंदा वहां आया है? एक धंधा बना लिया उसको राम को भी। और चारों जो हमारे शंकराचार्य थे उनके विरोध के बावजूद भी उसे एक अपना निजी स्वार्थ लाभ लेने के लिए निजी हित के लिए उसका उद्घाटन किया गया जो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार गलत था। तो भाइयों इस स्वार्थी सोच को हम केवल तभी बदल सकते हैं, और वे तो जो कल भी मैंने कहा था कि जो गिद्ध बाबा सिद्ध बाबा, तो ये गिद्ध बाबा जो हमारे शहर में मंडरा रहे जिसके अनेक एजेंट चाहे वो भांजा हो चाहे मामा हो चाहे साला हो कोई और सहयोगी हो कहीं कहीं मामा हो गए, तो ऐसे उड़ते रहते हैं गिद्ध की तरफ। और जहां शहर में कोई ढील दिखती है कोई कमी दिखती है भाइयों को भाई से लड़ा देंगे, बहनों को भाई से लड़ा देंगे अपने निजी स्वार्थ के लिए और उस प्रॉपर्टी को हड़प लेते, तो वो गिद्ध है। और दूसरी तरफ बाबूजी राजनीति से संन्यास ले चुके, कहीं बाबा सूरदास जी की प्रेरणा हुई है कि शहर को बचाने के लिए ईश्वरीय प्रेरणा से फिर से एक सक्रिय राजनीति में आए हैं, नहीं तो संन्यास में जा चुके थे बाबूजी। कई बार हम भी आग्रह करते थे, इस बार भी हमने बहुत अनुनय विनय की आग्रह किया कि बाबूजी आपके बगैर यहाँ उद्धार नहीं होगा, क्योंकि इनकी शैली हमने पहले देखी भी है कि हमेशा विरोधियों को भी गले लगाने की कोशिश की है और अपने चयन के बाद ये नहीं मानते कि कौन पक्ष कौन मेरा पक्ष में था कौन विरोध में था, वो संपूर्ण जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और कई ऐसे फैसले किए कि यदि कृष्णपाल को मौका मिले
तो वो तो सामाजिक समाज में हुए फैसलों को, पंचायत में हुए फैसलों को अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए और अपने विरोधियों को कुचलने के लिए उन फैसलों को भी नकारा कर देता है, झूठे मुकदमे दर्ज करा देता है। तो कहा तो बाबूजी ने एक सच्चे मुकदमों को भी, जो गोली 307 का मुकदमा था एक हमारे साथी पे विक्की भड़ाना, उसको भी जो हालांकि बाबूजी के विरोध में था वो, फिर भी बाबूजी ने उसका फैसला कराया बैठा के और कहा भी कि समाज में अमन चैन जरूरी है, अमन चैन से ही विकास का रास्ता आता है। तो ये गिद्ध बाबा सिद्ध बाबा किसी ने सही संज्ञा दी है और मैं इसका समर्थन भी करता हूँ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है पहले से ही। तो मैं अपनी राजपूत सभा जिला फरीदाबाद की तरफ से बाबू जी का अभिनंदन करता हूँ, सभी साथियों का, सभी सहयोगियों का। मैं सम्मान से आभार भी प्रकट करता हूँ और जो हमारे महासचिव है मंच संचालन जो कर रहे थे वो कह रहे हैं कि बाबूजी का माल्यार्पण करके एक बार हम लोग भी स्वागत करें। तो संसद हमारे विधायक रहे, संसद रहे, इस क्षेत्र में क्या किए, ये थोड़ा ये बोल के दिखाओ या मैं बोल के दिखाऊं। राजपूत सभा कार्यकारिणी की तरफ से चौधरी साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं आप माल्यार्पण करके स्वागत। राजपूत सभा फरीदाबाद की ओर से ठाकुर कमल सिंह तंवर और तमाम टीम उनकी जो है, ये देख सकते हैं आप। आज तो आ गया हमारे, जितेंद्र चंदेलिया जी से आग्रह करूंगा वो आए और समय का ध्यान रखते हुए दो शब्दों में अपनी बात बोलते हैं। जितेंद्र चंदेलिया जी धन्यवाद सभी राजपूत महासभा के कार्यकर्ताओं का। आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप जी, पिंटो सरपंच जी, बाबा राम केवल जी, आभास चंदीला जी, लोकसभा अध्यक्ष यूथ कांग्रेस फरीदाबाद, युवा दिलों की धड़कन बड़े भाई रिंकू चंदीला जी, पार्षद हमारे बीच जिला पार्षद हरिंदर भड़ाना जी, मातृशक्ति बुजुर्ग व नौजवान साथियों, संबंधित मंच। मैं देख रहा हूं कि मेरे राइट साइड को महाराणा प्रताप जी की तस्वीर लगी हुई है और राजपूत समाज के बारे में मुझे एक पंक्ति याद आती है कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, चाहे महाराणा प्रताप की बात की जाए, क्योंकि महापुरुष किसी जाति और धर्म के नहीं होते और ये 2024 का जो चुनाव है ये भी धर्म और अधर्म के बीच में है, चौधरी महेंद्र प्रताप और कृष्ण पाल के बीच में तो है ही है लेकिन उसके साथ धर्म और अधर्म के बीच में है। जैसे हमारे अभी साथी बता रहे थे, एक तरफ सिद्ध बाबा है और एक तरफ गिद्ध बाबा है, तो राजपूत समाज ने, मैं बताना चाहता हूं आपको, धर्म और संस्कृति की रक्षा की है और जब जब देश पर आ चाहिए इस समाज ने अहम भूमिका दी है, अहम बलिदान दिए हैं। तो मुझे एक पंक्ति याद आती है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फैज जहां तक भाला जाए, फैज जहां तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो भारत, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो सिक्का उछल चुके हैं साथियों, ऐसे ऐसे वीर राजपूत समाज में हुए, छत्रसाल बुंदेला की बात करूं, जिनके लिए चार चार नदियों का राज्य कम पड़ता था कि इत जमुना उत नर्मदा, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉस,
छत्रसाल से लड़न की रही ना काऊ हौस। तो ऐसे सूरवीर राजपूत समाज में पैदा हुए हैं। और संघर्ष की बात आए तो महाराणा प्रताप जैसा चरित्र राजपूत समाज में हुआ है, जिन्होंने एशिया की सबसे बड़ी ताकत अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। तो एक पंक्ति इतिहास की मुझे याद आ जाती है कि घास वाली रोटियों को खाके स्वाभिमान रखा, कि घास वाली रोटियों को खाके स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र फले काटी धन्य हो गई। परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार दिया, परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार दिया, रणबांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। और उस सूरवीर ने रचाया जो इतिहास श्रेष्ठ, उस सूरवीर ने रचाया जो इतिहास श्रेष्ठ, अरे राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई, राम कृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। और चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर, अरे पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई, पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। मैं चरणों में नमन करता हूँ महाराणा प्रताप जी के, राजपूत समाज और सभा के। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक सेकंड का समय लेंगे, चौधरी महेंद्र प्रताप जी एक ऐसी शख्सियत, मैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूँ, जो 5 बार विधायक रहे, कई बार हरियाणा की कैबिनेट में मंत्री रहे, और सन 87 में देश के पूर्व अभूतपूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने उनको सीएलपी लीडर बनाया, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज नेता प्रतिपक्ष से सीएलपी लीडर है। हरियाणा की विधानसभा में 87 में रह चुके हैं चौधरी महेंद्र प्रताप जी, 8-8 मंत्रालय उनका रहे, लेकिन उनकी छवि पर कोई दाग नहीं है। सर्वधर्म संभव सर्वधर्म निरपेक्षता के नेता है वो, एक आंख से उन्होंने हमेशा हर धर्म हर जाति के व्यक्ति को देखा है। तो साथियों, इस करप्शन पाल को उखाड़ दो, नहीं फरीदाबाद को खा जाएगा, आपके बच्चों के भविष्य को खा जाएगा, धर्म और संस्कृति को खा जाएगा। ये बाबा फरीद की नगरी, ये संत सूरदास की जन्मस्थली, ये ऋषि परमेश्वर की जन्मस्थली, इसको बर्बाद कर देगा फरीदाबाद। आपने देखा इसका वो कंस मामा राजपाल नागर जो दलितों की 20-20 एकड़ जमीन खा जाता है, लेकिन मैंने भी उसके मुंह में हाथ डालकर वो जमीनें वापस कराई है। 3 बार इसके सरपाल को मैंने इसके घर पे घेरा है, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री को घेरा है, सत्तार सिंहासन से सीधा सीधा संघर्ष करा है, क्योंकि मैं अपने अंदर कबीर को जीवित रखता हूँ। मुझे वो पंक्ति याद आती है एक शहर की, कि मैं वो कलम नहीं जो झुक जाती हो दरबारों में, मैं अग्नि की दीपशिका हूँ अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूँ सच में मरने वाला हूँ। और डाकू को डाकू कहने की, करप्शन पाल कहने की हिम्मत रखने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे अपन के हरने की। उस कवि, उस शायर, उस पत्रकार का, पत्रकार भी सुनने भाइये, उस पत्रकार का, उस नेता का, उस समाज सेवी का, उस नागरिक का मर जाना बेहतर जो खुददार नहीं कौम जले देश जले। मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। साथियों, इस करप्शन पाल को सबक सिखाना है, जो कहता है मैं तीसरी बार जीत के आऊंगा, अरे कहता है कि आवाज एवं न तारे खुदा, तू भगवान रूपी जनता से बड़ा नहीं है, तेरे पास कंस की टीम है, राक्षसों की टीम है, लेकिन हमारे पास भी राजपूत महासभा है, महाराणा प्रताप के वंशज है इस फरीदाबाद के पास, और चौधरी महेंद्र प्रताप जैसा नेतृत्व है। साथियों, इस सशक्त बेदाग स्वच्छ आवाज को देश की सबसे बड़ी लोकसभा में पहुंचा दो, और एक बार विजय करा दो। 25 तारीख को भूल न जाना, कांग्रेस के बटन पर आप बटन इतना दबा दो कि इस किशन पाल को दोबारा यहाँ इलेक्शन लड़ने का मौका न मिले, और हमारे चौधरी महेंद्र प्रताप जी लोकसभा फरीदाबाद के विकास की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में लड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे सुना कि बाबूजी सवेरे 8 बजे से निकल जाते हैं और रात को 1-1 बजे घर में घुसते हैं और सभी को बराबर सम्मान और समय देते हैं। आपने मुझे सुना, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय बाबू महेंद्र प्रताप। एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ नारा लगाएंगे, चौधरी महेंद्र प्रताप जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, और एक नई जोश पैदा किया महाराणा के दरबार में आके आपने,
महाराणा की भूमि पे बहुत से आपने व्याख्यान पढ़े, और इस बीच राम सागर गुप्ता जी जो राष्ट्रीय मानवतावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का समर्थन बाबूजी को दिया है और इस चुनाव में वो बाबूजी के साथ हैं। उन्होंने बाबूजी की जो व्यवहार से पहले से ही परिचित हैं, तो जैसे ही बाबूजी को टिकट मिली उन्होंने ये निश्चय किया कि उनकी संपूर्ण पार्टी बाबूजी के साथ रहेगी और इस सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में बाबूजी के साथ रहेगी। आदरणीय आज के सभा के आयोजक कमल सिंह तंवर जी और चौधरी महेंद्र प्रताप जी, मंच पर बैठे सभी नेतागण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, भाषण देने का टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन पांच बात जो कहेंगे देश को सुनाएगा और देश को समझना होगा। ये जो हमारे देश में आज बैठे हुए हैं गद्दी पर, आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के दलाल थे और इन्होंने भाषण दिया था कि जब गांव में मेला लगता था तो जेब कतरा जेब काट कर कहता था पकड़ो पकड़ो हो गया। आज देश समझ गया है सबसे बड़ा जेब कतरा कौन है। आज देश जानता है 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को जेब कतरा भागने वाला है। इसलिए घेर लो इस जेब कतरा को, पूरे देश से ही भागने ना पाए। दूसरी बात, इसने कहा था आपदा में अवसर, इसके लोगों ने आपदा पैदा करना शुरू कर दिया। लोगों को डरवाते हैं, पैसा वसूलते हैं, लोगों के घर गिराते हैं। इसलिए इस आपदा पैदा करने वालों को देश से मुक्ति दिलाना है, सरकार से मुक्ति दिलाना है और चौधरी महेंद्र प्रताप को विजयी बनाना है। ऐसे साथियों, हम कहना चाहते हैं जो आज के टाइम में टाइम नहीं है, इसलिए अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के तरफ से चौधरी महेंद्र प्रताप जी को पूरा बहुमत के साथ जिताने का समर्थन करते हैं। और हमारी पार्टी ने नैनपाल इलाके से 1000 से ज्यादा लोगों का हस्ताक्षर करा करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजा। अधिकारी कहते हैं काम हो गया, हम कहते हैं यहाँ तो पानी भरा हुआ है, गलिया खुदी पड़ी है, कहते हैं काम हो गया, यानी काम करा करके पैसा डका गए हैं। इसलिए ये जो हस्ताक्षर वाला कागज है, हम आज चौधरी साहब को समर्पित करते हैं कि 5 तारीख के बाद 6 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और देश के क्षेत्र के काम होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राम सागर गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये समस्याएं आपको कहनी नहीं पड़ेंगी, मेमोरेंडम देने नहीं पड़ेंगे। बाबूजी की कार्यशैली पहले भी हमने देखी है कि बाबूजी के प्रति एक ये है, एक किसी ने कहा है कि वाकिफ हूं हर डगर से, चलना मुझको आता है, वाकिफ हूं हर डगर से, चलना मुझको आता है। साथियों, अगर साथ तुम्हारा मन से सच्चा हो तो हर मुसीबत से लड़ना बाबूजी को आता है। तो बाबूजी का समर्थन करना है हमें, और ये प्यार आपका जो 2 घंटे लेट हो गए बाबूजी, फिर भी आप इंतजार कर रहे हैं, महाराणा के दरबार में बैठे हैं। कोई भी साथी बिना भोजन करे नहीं जाएगा, सबके लिए, क्योंकि महाराणा प्रताप की जयंती जो 9 तारीख को हमने मनानी थी, बाबूजी ने हमें समय 11 का दिया, तो इसलिए आज ये महाराणा प्रताप की जयंती है और उसी में आए हैं। सभी भोजन की व्यवस्था है, सबकी करते जाएंगे। बाबूजी का संबोधन सुने, जिसके लिए हम घंटों से इंतजार कर रहे थे। आज की
ऐतिहासिक चुनाव के कार्यक्रम अवसर और महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्रभक्त की जयंती के अवसर पर पधारे हजारों की संख्या में हमारे महानुभाव साथियों कमल जी के नेतृत्व में उनके सानिध्य में उन्होंने इसका आयोजन किया है। पहले तो मैं उनको इसकी बधाई देता हूँ, उनके साथियों को। साथियों आप बहुत समय से इस कार्यक्रम में बैठे हैं, मेरा इंतजार भी आपने बहुत 3 घंटे तक किया है, लेकिन मेरी भी परिस्थिति क्या है आप जान सकते हो। इलेक्शन के समय में मैं सवेरे से बॉर्डर से शुरू हुआ हूँ और होते होते मैं 3 घंटे लेट रहा हूँ। तो भैया मैं आपसे क्षमा भी मांगता हूँ कि आप बहुत समय तक बैठे रहे, लेकिन आपकी थकान और वेट मुझे लगता है इन बच्चों ने सारी दूर की होगी। सारा आपको सिनेमा में जाने की जरूरत नहीं थी, इन बच्चों ने ही अपनी कला का प्रदर्शन किया है। मैं मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई कि आज की जनरेशन के संस्कार किधर जा रहे हैं, अगर इस प्रकार के बच्चों को इनकी प्रयोगशाला में आश्रम में इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए तो मैं समझता हूँ कि एक नव समाज का नए समाज का जो वास्तविक रूप से हमारा एक वैदिक समाज है उसका निर्माण हो, एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण हो। तो इसके लिए भाई कमल जी आपकी संस्था मैं उनके लिए भी आपको बधाई देता हूँ। साथियों मैं आपसे 5 मिनट अर्ज कर लूँ, इलेक्शन का समय है आप जानते हैं, ये इलेक्शन विशेष परिस्थिति में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देश में बहुत बदलाव हुए अलग अलग समय में। 5 साल में जनता अपने मत का प्रयोग करती है और किसी को भी अपना विश्वास देती है। देश में बहुत परिवर्तन हुए, लेकिन इस 10 वर्ष के परिवर्तन के में जो आज देश की स्थिति देखी वो मैं समझता हूँ देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। आज संविधान जिसके लिए लोकतंत्र जिसकी कल्पना कामना हमारे उन महापुरुषों ने की थी, आज़ादी से पहले कभी किसने ये सोचा नहीं था कि देश अंग्रेजों से कभी भी हम आज़ाद करा लेंगे, लेकिन देश के लिए बलिदान दिया है। कांग्रेस ने लहू दिया है उन हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने। आज जब तक भारतवर्ष रहेगा उनका बलिदान और कांग्रेस का इतिहास कभी अलग नहीं किया जाएगा। तो साथियों आज ऐसी विकट स्थिति देखी है, परिवर्तन करना जनता का अधिकार है, लेकिन 10 वर्षों में जिन कारणों से जिस जुमलेबाजी से जिस गलत भ्रमित करके जनता से बड़ा बड़ा विश्वास लिया है ये आज जनता समझ चुकी है और आज उसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि मीडिया अब ज्यादा कुछ नहीं कह रहा। जनता एक बीच में मीडिया एक खड़ा नजर आ रहा है कि देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। दक्षिण की रिपोर्ट ये है कि दक्षिण में बीजेपी को कोई गिड़ी चुड़ी सीट मिले मिले कोई सीट नहीं नजर आ रही। उत्तर भारत में भी प्रधानमंत्री जी की घबराहट में कहीं कुछ बयान देते हैं कहीं कुछ बयान दे देते हैं, ये इनकी घबराहट का वो संकेत है। आज जनता जाग चुकी है, 10 वर्ष पूर्व जो इन्होंने वादे किए थे आप लोग जानते हैं, भूले नहीं होंगे, मैं याद दिला दूं थोड़ा। सबसे पहले वादा किया था इन्होंने कि भाई काला धन कांग्रेस ने विदेश में जमा कर दिया, कितना बड़ा आक्षेप था, कितना बड़ा एलिगेशन था, और उसको हम लाएंगे, पहले तो खजाना भर जाएगा और बाकी 15-15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में दे देंगे, ये वादा किया था नहीं किया था, ये किया था। दूसरा ये किया था कि वे गैस के रेट 400 रुपए कर दिए कांग्रेस ने, पूरा कर दिया बढ़ा दिया, मैं वही बात कह रहा हूँ, और पेट्रोल के रेट 60 रुपए 62 कर दिए और बुग्गियों में
मोटर साइकिल गैस रखते थे और सड़कों पर शोर मचाते थे, या हमें लाइए हम पेट्रोल डीजल तो 35 रुपए देंगे और गैस के सिलेंडर 250 में देंगे और भाई खजाने में आती तरह 15 लाख रुपए देंगे। क्या कोई वादा पूरा हुआ याद करिए। लेकिन फिर भी दूसरी बार की सरकार देगी, दूसरी बार की सरकार में भी लोग भरदूत हुए। आपने पहली पारी को माफ कर दिया, अब तीसरी पारी में फिर वही जुमलेबाजी। इससे आगे इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, ये झूठ की खेती पका रहे हैं और झूठ की जनता को खिला रहे हैं। आज वो समय आ गया है कि इसका चिंतन करिए, विश्लेषण करिए, रिपोर्ट कार्ड मांगिए कि आपने ये वादे किए थे कहाँ है। ये गैस तो 1000 रुपए में मिल रही है, पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है। करप्शन की हालत ये है। अब उसके लिए माननीय साथियों ने बहुत कुछ कह दिया कि ऐसा करप्शन मैंने भी नहीं देखा। 200 करोड़ रुपए की फाइल कागजों में पास हो गई, पेमेंट ले गए, धरातल पे कोई काम नहीं। जैसे भी जिन्होंने हमेशा खुद माना हमें अपराध, गुप्ता जी, मुझे तो गुप्ता जी से नहीं लगे, मुझे तो ऐसे लगे महाराणा प्रताप के बल सज है, भामा साहब के भी ज्यादा है भाई। ये जो है राणा के दरबार में जो इन्होंने अपनी तराजू की तकड़ी को न्याय पे रख के छोड़ दिया, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो ये तो भाई मार्शल लोग हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आज समय आ गया है कि इनके झूठ को, इनको रिपोर्ट कार्ड को लेना होगा कि भाई इन चीजों का जवाब दे दो। इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, मोदी जी यूं, फलाने यूं। अरे मोदी जी को क्यों खमखा को ला रहे, मोदी जी की तो पॉलिसी सारी है। तुम क्या कर रहे हो, मोदी के नाम से 2 बार खा गए, तीसरी बार तिरभाषा के लिए महापुरुष नहीं कहते, तीसरी बार अगर फिर गलती करता है व्यक्ति तो फिर वो पाप का भागी भी है भाई। आज स्थिति तो डेवलपमेंट की भी देख रहे हो, जितनी डेवलपमेंट थी कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट नहीं है। ये मेट्रो कांग्रेस के हाथ की मेट्रो है। एलिवेटेड रोड जो बनी है बदरपुर से आगे तक कंप्लीट शुरू हो गई थी, सरकार बदल गई तो अपनी सरकार को तो करनी होगी। मेडिकल कॉलेज बनाई है हमने, IMT बनाई है, यूनिवर्सिटियां हमने बनाई, ये ग्रेटर फरीदाबाद ये भी हमने शुरू किया। इन्होंने क्या किया, इन्हें तो अभी चारों तरफ कॉलोनी में, मैं तो बहुत समय में देख रहा हूँ, चारों तरफ पानी, सीवर, खंडर ये पड़े हैं। अरे क्या करते रहे हो तुम 10 वर्ष में। मैंने तो कल परसों मीटिंग में बतला रहे थे कि हमारा कौन सा बिलपत्र लेकर गोद ले रखा है 10 साल से, मतलब गोद लिए हुए बच्चे की हालत है। तो भाई वो जवानी में क्या काम करेगा। चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप। तो भाई आज समझने की जरूरत है कि आज संकल्प लीजिए। मैं तो आपके बीच में कांग्रेस और आप पार्टी का उम्मीदवार के रूप में जरूर आया, लेकिन जनता का भी उम्मीदवार हूं। 3 बार का पार्टी के सर्वे में चारों तरफ जनता ने कहा कि महेंद्र प्रताप को लिया इनको काम नहीं मिलेगा, उसे ले आइए। मानना पड़ा जनता की आवाज को। तो मैं तो भाई आज जनता का भी उम्मीदवार हूँ और मुझे नजर आ रहा चारों तरफ कि मुझसे पहले ही IRA पे फैसला ले लिया तो चिंता मत करना। गांव वाले लोग तो चारों तरफ कहते हैं तो गांव में बतावे तो अपने शहर देख लीजिए भाई। तो आज एक क्यों हो रही है परिवर्तन की आवाज, इसलिए हो रही है कि इन्होंने राजधर्म का इस्तेमाल नहीं किया, सत्ता का दुरुपयोग किया है। इस शक्ति का इस्तेमाल इन्होंने अपने पेट के लिए किया है। आज इसी वजह से सारे लोग मैं देखता हूँ, मैं तो कई बार के क्या हो गया, जो आदमी विश्वास खो दे, चाणक्य कहते हैं उसको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, तुरंत चले जाना चाहिए। तो आज स्थिति क्यों ऐसी हो रही है कि लोग चारों तरफ ये कहने लगे हैं कि करप्शन पाल को मारे थे भाई, करप्शन पाल नाम नया रख दिया। तो ये आज स्थिति जो हो रही है, तो भाई आज ये विचारणीय मामला, आपको संकल्प लेना होगा। मैं आपकी भावनाओं के अनुसार
मैंने स्वीकार किया है और आपके बीच में एक गठबंधन के उम्मीदवार के साथ साथ जनता का उम्मीदवार बन के भी आपके सामने आया हूँ। मैं तो आपको एक ही कह सकता हूँ कि मेरा क्षेत्र रहा है, मुझे 5-5 बार MLA बनाया आप लोगों ने, CLP लीडर भी मैं रहा हूँ, 7-7 डिपार्टमेंट रहे हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ये तो एक एक उसके होते हुए मेरे जो अरबोपति खरबोपति बाल खा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रताप तो 7-7 डिपार्टमेंट का होते हुए भी तेरे रिश्वत तो अलग रही, तेरे भेद स्वीकार नहीं की। मैंने तपस्या की है अपने राजनीतिक जीवन में। अगर आप चाहते हो कि राजनीतिक स्वच्छता बढ़े, एक राजनीतिक जीवन में एक ईमानदारी, एक मूल मर्यादाओं का जीवन व्यक्ति या तुम्हारा नुमाइंदा जिए, ये प्रेरणा अगर आप देते हो तो आप संकल्प ले लीजिए, आप तैयार हो जाइए कि गठबंधन के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार होइए। गठबंधन के नाम पर कांग्रेस को एक एक वोट दीजिए, आप संकल्प ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी महेंद्र प्रताप। हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, अभी जो है पूरा जोश नजर नहीं आ रहा। अगर वाकई में संकल्प ले रहे हैं तो आप संकल्प लीजिए, मन से लीजिए और दोनों हाथ खड़े, चौधरी महेंद्र प्रताप। मैं आपको एक भरोसा दे सकता हूँ, एक भरोसा दे सकता हूँ, मुझे अगर 5-5 बार बनाया अपनों पहले, तो कहीं ना कहीं मैंने ईमानदारी भुगती है। तभी तो सर्वे ने फिर मुझे दोबारा भेज दिया, हमारी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें सबसे पहले मैं 5-4 चीजों का जिक्र कर देता हूँ कि 300 यूनिट तक हम बिजली सबको फ्री देंगे, गैस का सिलेंडर इन्होंने तो 400 का 1000 कर दिया, 1300 पे पहुंचा दिया, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में हम देंगे। इसके बाद ओल्ड एज पेंशन 6000 रुपए हम ओल्ड एज पेंशन देंगे। कांग्रेस पार्टी, एक वर्ग विशेष से मतलब यह है कि एक वर्ग के नहीं, एक आमदनी के लिहाज से महिलाओं को हर महिला के खाते में 1,00,000 रुपए सालाना उसके खाते में देंगे। कांग्रेस पार्टी। और जिन लोगों ने डिग्री और डिप्लोमा ले रखा है, जिन बच्चों ने, और वो दर-दर की ठोकर भी खा रहे हैं, नौकरियां नहीं है, लेबर का काम भी तो करते हैं कई फैक्ट्रियों में, कई कुछ में, तो उन बच्चों को जब तक वो नौकरी नहीं लगेंगे, हम नौकरियों का सर्जन करेंगे। नौकरी तो जब नहीं दी, खत्म कर दी, बेरोजगारी है बहुत ज्यादा है, उनको 1,00,000 रुपए उनके खाते में साल भर के लिए देंगे, एक साल में। चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप, जिंदाबाद। अग्निवीर योजना एक मजाक था कि 4 साल के लिए, एक ड्रामा बढ़ा दिया कि 4 साल को गद्दी भर्ती उसे फिक्स तनख्वाह देंगे और 4 साल के बाद रिटायर कर देंगे। ये अग्निवीर योजना है ना, हमने फैसला किया कि मजाक, भद्दा मजाक है, मिलिट्री में खास तौर से इसको खत्म करेंगे और परमानेंट भर्ती करेंगे, पहले की तरह उनको तुरंत भरेंगे उनको। तो भाई और ऐसे बहुत से वो हैं, MSP के लिए किसानों ने बलिदान दिया, एक्ट को खत्म कराया, किसानों के 750 व्यक्ति ने बलिदान दिया था, उसके लिए भी पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि हम MSP को कानून बनाएंगे, MSP को पूरी तरह से। तो भाई हमने देश काल को देख करके, राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की है 1,000 किलोमीटर की, अलग अलग देश काल के मुताबिक, क्षेत्र के मुताबिक समस्याओं को देख के, जैसे अंबेडकर जी ने संविधान में सब जाति समीकरण आवश्यकताओं को देख करके जन्म दिया, वो दिया जगह दी, ऐसे ही घोषणा पत्र में सारे देश की परिस्थितियों को देख करके हमने जगह दी है, जिससे स्थिति को वास्तविक रूप से सुधार सके। हम जुमलेबाजी नहीं करेंगे कि आप यकीन रखिए, मुझे फिर एक बार आप मौका अगर देने जा रहे हैं, मैं आपके आधार पर दोबारा राजनीति में मैंने कदम रखने की कोशिश की है, माना है कच्चा, अब 5 साल तुम्हारे लिए भी करूंगा। मैं वचन देता हूं
कि आपके दामन पर दाग कभी नहीं लगता। चौधरी महेंद्र प्रताप, चौधरी महेंद्र प्रताप। ये डेवलपमेंट मुझे चारों तरफ नजर आ रही है, क्या हालत हो रही है। ये मेरे हाथ की मेन सीवर लाइन मेरी थी, ये सड़क भी मेरे हाथ की थी। आज क्या हालत हो रही है। बिजली की मुझे याद है हजारों, हम पे एक नहीं हजारों, कोई लगाने वाला नहीं था इन्होंने ऑथराइज में। मेरा डिपार्टमेंट आ गया बिना पॉलिसी के, स्पेशल अपनी की डिस्करेंस के आधार पर हजारों खंबे कॉलोनी से लगाए थे। मुझे आया कि मेरे यहाँ बिना उसके, तो भैया मुझे कॉलोनी की हालत में देख रहा हूँ। ये भी मैं आपको वचन देता हूँ, इन कॉलोनीज को, ये सारी कॉलोनी अपने टाइम में मैंने जो इधर की थी पास कराई थी, सारी मेरे आपकी रिकॉर्ड है ये। मैं आपको फिर वादा करता हूँ, सरकार आ रही है कांग्रेस की भाई, इन कॉलोनियों को पास करेंगे और इनकी डेवलपमेंट में कराऊंगा। चौधरी महेंद्र प्रताप, अंत में मैं फिर एक विश्वास दे देते हुए कि मैं आपको हिम्मत देता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अंत में मैं फिर आपसे फिर एक प्रार्थना करते हुए कि आप एक एक वोट कांग्रेस को दीजिए, अपने भविष्य के लिए दीजिए, अपने राष्ट्र हित के लिए दीजिए। मैं आपके उसको वचन को पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद कांग्रेस पार्टी। एक बार बैठेंगे सब।